Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Anil and you are watching Anil Kaki Wealth of Bear for the Dark Noka Nepal series ke chauth episode mein. Guys, आप लोगों ने पिछले व्लॉग में देखा मैंने काठमांडू की काफ़ी फेमस फेमस जगह आप लोगों को दिखाई और काठमांडू में गैस एक और फेमस जगह है जिसका नाम है सेम्बू. गैस जो लोग बहुत हमको मानते हैं उनके लिए जगह काफ़ी ज़्यादा पवित्र मानी जाती है. बहुत लोग यहाँ पे आते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है. आप यहाँ पर नहीं चलते और एक्सप्लोर करवाते हैं, तो चलिए. गैस जो मेन स्तूपा है वो इन सीढ़ियों को चढ़कर ऊपर है, तो वीडियो में तो कम सीढ़ियाँ लग रही होगी बट काफ़ी ज़्यादा है गाइस. ऊपर से ना हम लोग दिन भर चल चल के काफ़ी थक गए हैं, तो ये लास्ट पॉइंट है जहाँ पे हम लोग को चलना है, तो थोड़ा सा थकावट तो हो रही है बट चलो क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड है इसे जल्दी से जल्दी मैक्सिमम जगह को एक्सप्लोर करना है. एंड साइड वाइज आप लोग देख रहे हैं जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड सामान है वो इधर मिल जाता है. गैस मुझे लगा था इतनी सीढ़ियाँ जो मैंने अभी आप लोगों को पीछे दिखाई वो चढ़ने के बाद आ जाएगा बट अभी और लंबी चढ़ाई चढ़ने को है. तो अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो ये पूरा अभी ऊपर जो टॉप में देख पा रहे हो यहाँ तक जाना है और ये सीढ़ियाँ तो काफ़ी ज़्यादा है. आई होप कि पहुँच जाऊँ मैं तो पहुँच जाऊँगा. ये जो यंग ब्रिगेड है इनका भरोसा नहीं है. चल दौड़ के आना है. तो फोन तो मेरे जेब में दो दो है. तो गए तब मेरी और पेम्बा की रेस होगी ऊपर के लिए, तो देखो तुम्हारा भाई कितनी मेहनत कर रहा है. रेडी, ओके, 3, 2, 1 स्टार्ट. मेरा चश्मा, ओह हो, गाइस मैं थक रहा हूँ मैं. ओह हो, गाइस मैं रुक चुका हूँ और वो जीत गया भाई तू. टू मच टायर. गाइस दिस इज द मेन स्तूपा ओवर हियर. बहुत ही ब्यूटीफुल लगा है एंड बहुत लंबा है. वीडियो में तो छोटा सा दिख रहा होगा बट बहुत लंबा है ये. एंड यहाँ से जो व्यू है नीचे काठमांडू का, व्हाट ए अल्टीमेट व्यू गाइस. वाओ. ऑलराइट गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम काठमांडू. गाइस अभी लगभग मॉर्निंग के 8 बज चुके हैं एंड आई एम अबाउट टू गो टू द अनदर सिटी ऑफ द नेपाल. गाइस नेक्स्ट सिटी में शामिल है पोखरा. नेपाल में मैंने जितनों से ही बात की सब ने मुझे रिकमेंड किया कि पोखरा ज़रूर जाओ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सिटी है. गाइस अभी फ़िलहाल हूँ त्रिभुवन के डोमेस्टिक एयरपोर्ट में, तो अभी यहाँ से बोर्डिंग पास वगैरह लेंगे एंड फिर निकलेंगे पोखरा की तरफ.
गैस लगभग 3 दिन में काठमांडू रहा एंड काठमांडू का जो सफ़र था बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया, मज़ा आया। तो अगर मैं कुछ शब्दों में काठमांडू का एक्सप्लेन करूँ तो बहुत ही ज़्यादा कलरफुल है, ब्यूटीफुल है, ट्रेडिशनल है, तो इट्स ब्यूटीफुल गैस। अब आप लोगों को पोखरा लेंगे और पोखरा में गैस एडवेंचर भी करेंगे, तो एडवेंचर के लिए भी तैयार हो जाओ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अभी मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट के अंदर एंड काठमांडू में मेरा सफ़र इतना ही था, तो इन दोनों ने काठमांडू में बहुत घुमाया फिराया। ठीक है, ओके, बाय बाय, ठीक है, ओके बाय, ठीक है, आपको अच्छे से जाना और तुम लोग अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है, और फटाफट अच्छी अच्छी न्यूज़ फटाफट सुनाना, पढ़ाई की टेंशन मत लीजिए आप, ठीक है, ओके बाय। सो गाइस, आप इम्बा एंड काकू तो गए, आप है मेरा नंबर। फटाफट से बोर्ड करेंगे और जाएंगे पोखरा की तरफ। तो गाइस, पोखरा में मेरी बात हो गई है, वहाँ पे मेरा एक फ्रेंड आने वाला है, वो पहले इंडिया में ही होता था, अभी पोखरा में है, तो वो मेरे से मिलेगा और उसके बाद आगे का प्लान शेड्यूल करेंगे। फिलहाल तो पोखरा पहुँचना है गाइस जल्द से जल्द। ऑलराइट गाइस, सो राइट नाउ इट्स 10 AM इन द मॉर्निंग एंड आई हैव लैंडेड इन पोखरा। सो दिस इज़ द पोखरा एयरपोर्ट एंड इट वॉज आवर एयरलाइन, गुड एयरलाइन, एंड नाउ वी हैव टू गो थ्रू दिस बस। फाइनली गाइस, आई एम इन द ब्यूटीफुल सिटी पोखरा। ये है मेरे पीछे पोखरा एयरपोर्ट फ्रॉम फ्रंट साइड, बहुत ही ब्यूटीफुल लगा है। एंड अभी मेरा फ्रेंड रिसीव करने आने वाला है, मैंने उसको टाइमिंग कुछ और बताई थी तो थोड़ा सा वो लेट हो जाएगा। टिल देन इधर ही एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा सा एयरपोर्ट के आउटसाइड एरिया को। एंड गाइस, अगर मैं पोखरा के बारे में आप लोगों को बताऊँ तो इट्स वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्लेस इन नेपाल, बहुत ही ब्यूटीफुल है। As you can see, welcome to Pokhara. Hello, 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 hello. और क्या हाल है? So guys, राजन आ गया रिसीव करने के लिए। अब हम जाएंगे पोखरा की शहर में। वो यहाँ तो फोटो बहुत सुंदर है। तो गाइस, दिस विल बी आवर होटल। सो गाइस, 10:30 हो चुके हैं एंड हम लोग पहुंच चुके हैं अपना होटल। एंड होटल का गाइस रूम कुछ ऐसा होने वाला है आज के लिए, छोटा सा ही रूम है, बजट फ्रेंडली रूम है बट अच्छा है। एंड यहाँ से बाहर की तरफ व्यू है नहीं, तो जैसा भी है यार काम चला लेंगे। एंड उस तरफ वॉशरूम है, राजन अभी वॉशरूम में गया हुआ है। एंड गाइस, अगर इस दरवाजे को खोल कर दिखाऊँ तो यहाँ से है बालकोनी एंड पीछे का नज़ारा है कुछ ऐसा, वाह 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 वाह, पूरे चारों तरफ माउंटेन ही माउंटेन। सो गाइस, अब राजन बताएगा आगे का क्या प्लान है, क्योंकि पूरे पोखरे में अब राजन मेरे साथ दिखेगा और 2 दिन हम मस्त पोखरा टूर करेंगे एंड एडवेंचर भी करेंगे। अब क्या प्लान है इसके बाद? चलिए हम ब्रेकफास्ट कर ले जाएंगे, ब्रेकफास्ट करके अब जाएंगे ताल बराई, ताल के बीच में लेक के बीच में मंदिर है, वहाँ पर जाएंगे। उसके बाद हम डेविस फॉल जाएंगे, उसके बाद गुप्तेश्वर, उसके बाद शांति स्तूपा, उसके बाद जाएंगे हम शिव जी का बहुत बड़ा मंदिर है वहाँ पर, और उसके बाद हम रेस्ट करेंगे।
ओ भाई तो रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं सोके सोके सोके। तो देख लो गाइस, बहुत ज्यादा जगह को एक्सप्लोर करने वाले हैं और राजन हमसे एक्सप्लोर करवाएगा। एंड गाइस यहाँ पे ब्रेकफास्ट को बोलते हैं खाजा ना, तो इसके बाद हम खाजा खाएंगे पहले और फिर जाएंगे पूरी पोखरा को अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे जैसा जैसा राजन ने बताया। तो गाइस हम लोग पोखरा में कौन कौन सी जगह को एक्सप्लोर करने वाले हैं, इसके लिए आप लोग नेपाल सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड देखना। अगर आप लोगों को ये वाला एपिसोड अच्छा लगा तो हमेशा की तरह गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलता हूँ नेपाल सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। तो इस ब्लॉग को मैं यही रखता हूँ, मैं आपसे मिलता हूँ फिर कभी किसी अगले ब्लॉग में। क्या बोल रहा था मैं यार। तो गाइस पोखरा में हम लोग कहाँ कहाँ विजिट करने वाले हैं, कौन कौन से जगह को एक्सप्लोर करेंगे, इसको देखने के लिए आप नेपाल सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड नेपाल सीरीज के। तो गाइस हम लोग पोखरा में कौन कौन से